और भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर लखनऊ के कुड़ियाघाट चौक में कार्यकर्ता समागम, संगोष्ठी व तहरी भोज का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सर्वप्रथम अटल जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और उसके उपरांत अटल जी के साथ अपनी स्मृतियों को साझा किया। उप मुख्यमंत्री ने अटल जी को याद करते हुए कहा कि श्रद्धेय अटल जी एक ऐसी विरासत के मुखिया थे जिन्होंने कभी किसी से भेदभाव और दुर्भाव नहीं किया। पक्ष विपक्ष के सभी नेता उनको अपना नेता मानते थे। अटल जी ऐसे नेता थे जो हमेशा दूसरों को साथ लेकर चलते थे। ऐसे नेता थे जो हमेशा एक दूसरे को साथ लेकर के चलते थे। लखनऊ में तो घर घर लोग उनको आज याद करते हैं। परमाणु विस्फोट की बात आप करेंगे तो जब परमाणु विस्फोट हुआ तो दुनिया के बड़े कंट्री जो अपने आप को नीति नियंता कहते थे उन लोगों ने प्रतिबंध लगाने की बात कही, लेकिन पूज्य अटल जी ने उनसे कभी समझौता नहीं किया और भारत को परमाणु महाशक्ति बना करके परमाणु विस्फोट करके साबित कर दिया कि भारत सबसे आगे होकर के है।